लाए गए विधेयक का विरोध करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन मांग रहे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ तो 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी। कोई प्रमुख नेता, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है, उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटवतू अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग है, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से